तो दोस्तों अभी केरला के गांव दिखा देते हैं आज आपको। भाई अभी बस में बैठे हुए हैं और वही गांव दिखाने की कोशिश करेंगे आज आपको भाई मैं, केरला के गांव। तो गाने तो सुनाई दे रहे होंगे आपको भाई कि किस प्रकार के गाने हैं यहाँ के, अपनी तो समझ से बाहर हैं भाई। बाकी बस के अंदर ऐसे गाने बजते हैं भाई। और मकान तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के मकान बने हुए हैं भाई, छोटे छोटे से मकान हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड है भाई, यहाँ पर बस रुकती है। ये बस स्टैंड पर दुकान है भाई। बहुत ही अच्छा एरिया है दोस्तों घूमने के लिए और साफ़ सुथरा गांव है, अच्छा एकदम बिल्कुल स्वच्छ है। छोटे छोटे गांव हैं, 10-10, 20-20 घर हैं भाई गांव के अंदर, ज़्यादा घर नहीं है भाई। और नज़दीक में फिर दूसरा गांव है, उसके नज़दीक में और दूसरा गांव है, तो गांव की जो दूरी है वो ज़्यादा दूर दूर नहीं है, गांव नज़दीक में ही गांव है। अच्छे मकान भी बड़े हुए हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए बस में बिल्कुल भाई शीशा भी लगा हुआ। ये बस देख लें आप भाई किस प्रकार की बस है। धान की खेती से ज़्यादा होती है भाई यहाँ पर, क्योंकि बारिश है वो ज़्यादा होती है। बिल्कुल समुंदर के तट पर बसा है भाई ये केरला। दूर दूर तक भाई पहाड़ भी दिखाई देते हैं यहाँ पर, ही बात नहीं है। और बारिश तो होती रहती है भाई पूरा दिन, कभी कभार ही धूप निकलती है भाई। अच्छा है बिल्कुल भाई एरिया, अच्छी जगह है भाई घूमने के लिए भी और देखने के लिए भी।